नमस्कार, आप देख रहे हैं द रॉयल न्यूज। अभी हम खड़े हैं पूर्णिया शहर के लाइन बाजार में। चूंकि लाइन बाजार मेडिकल हब कहा जाता है और यहाँ पे सैकड़ों हॉस्पिटल और बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। और जो लगातार लाइन बाजार से खबरें आती है, अधिकांश जो खबरें आती है वो निगेटिव आती है कि हॉस्पिटल में किस तरह की लापरवाही होती है या किस तरह से हॉस्पिटल में इलाज होता है। लेकिन चूंकि आप लोगों को पॉजिटिव खबर भी जानना जरूरी है कि किस तरह से पूर्णिया के हॉस्पिटल में इलाज होता है, तो अभी जो हम खड़े हैं ये देख लीजिए, अल्फा न्यूरो एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये HDU वार्ड है। आइए हम जानते हैं यहाँ पे मरीजों का किस तरह से उपचार होता है। चूंकि यहाँ बहुत सारे डॉक्टर है, ICU है, SDU है, इमरजेंसी की सभी सेवाएं उपलब्ध है। आइए हम SDU में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से मरीज का यहाँ पे इलाज किया जाता है और किस तरह से मरीजों का यहाँ पे उपचार हुआ है। चूंकि हॉस्पिटल में कई सारे मरीज आते हैं तो लोगों से भी जानना जरूरी हो जाता है कि लोगों का यहाँ पे सही तरह से इलाज हो पाता है या नहीं। अब बताइए आपको क्या हुआ था? सर, हम बाहर से आ रहे थे लुधियाने से घर, सहरसा आए, वहाँ हमको 10:11 अकेले थे सर। वहाँ से एक साथी मिला, बोला चलो कोरियापड़ी तक हम भी चलेंगे और अपने हम घर पहुँच कर खुद पहुँचा देंगे आपको। आइए सर उसके घर 74 हड्डी। उसने घर आकर अपना हमको बाइक पर बैठाया, एक दूसरे बैग वाले जैसे बैठे वैसे पीछे से ठोक दिया सर। क्या चीज़ पीछे ठोका? बैगे से ठोक दिया सर। अच्छा, बाइक से ही टक्कर लगा। जी, तो आपकी क्या हालत थी उस समय? उस समय तो हमारा बुरा हालत था सर, फ्रैक्चर हो गया था पूरा शरीर। जी, कहाँ कहाँ टूटा? जी, यहाँ टूटा हुआ है इस, बताइए सर, बताइए कहाँ टूटा था? हाँ, ये हाथ में टूटा हुआ सर, कमर में, पैर में। पैर में सही है सर, हाथ और कमर टूटा। हाँ जी। तो फिर पूर्णिया के कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हुई सर? अल्फा में सर, अल्फा न्यूरो हॉस्पिटल। जी, अभी कैसा स्थिति? अभी सही सर, ठीक है। कितना दिन से यहाँ पे हैं? 22 तारीख से आए सर। तो अभी तक जो आपका इलाज हुआ है कितना सुधार है? सही है सर, वो बहुत इलाज सुधार। क्या नाम है आपका? शक्तिलाल सरदार। और कहाँ घर? चरने सर। इलाज जो हुआ इतना दिन आपका संतुष्ट है ना? जी। क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, किस तरह से आपको सुविधा मिली यहाँ पर? जी, सुविधा जैसे इलाज चल रहा था, सुविधा मिल रहा है, अच्छा आपको लग रहा है इलाज के माध्यम से? देखिए, ये छातापुर के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि रोड एक्सीडेंट में, बाइक से सड़क दुर्घटना में इनका हाथ और कमर की हड्डी टूट गई थी। यहाँ पर 22 तारीख को एडमिट हुए थे और लगभग 16-17 दिन में पूरी तरह से ये रिकवर हो चुके हैं और यह कह रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट है। इसके परिजनों से भी हम जानते हैं कि क्या मामला था, ये हॉस्पिटल में आए थे। बोलिए बोलिए, क्या मामला? ठीक है सर। क्या हुआ था, क्या हुआ था आपके पेशेंट को? क्या हुआ था पेशेंट को? हम भी 12 बजे रात का फ़ोन किया ना, 10 बजे, कि बोला कि तुम्हारा पति आ रहा है बाहर से, जो है एक्सीडेंट हो गया। हम भी जाएगा तो ये पूरे घर चेत हो रहा है। गया उठाकर वो सदर हॉस्पिटल त्रिवेणीगंज में भर्ती नहीं दिया, रेफर कर दिया। तब सचा को बोला कि अति मध्य अथी ला जाइए, सुपौल ला जाइए, कि अथी ला जाइए। तब पूर्णिया है? हाँ, तो हम भी एक लड़का जो है ये अथी के है, क्या नाम है, अड़ोसे पड़ोस के डॉक्टर है, उसका ये ठीक जान पहचान है, तो वो लड़का नाप करके हमने को भर्ती कर। यहाँ पे कैसा इलाज हुआ? बहुत बढ़िया इलाज हुआ। क्या नाम है आपका? शांति देवी हुआ सर। जिनका एक्सीडेंट हुआ मरीज का? वो हमारा पति है। क्या नाम है उनका? उनका शक्तिलाल सरदार है। घर कहाँ है? चरने है। बताइए क्या हुआ? ये बाहर से लुधियाना से आ रहा था बिहार में, ऐसे संग में साथी मिला कि बोलो कि चलो हम पहुंचा देते हैं, हम भी जा रहे हैं उधर। तो आया, फिर बाद में आधा दूर आया तो ऐसे बाइक मुड़वा था वहाँ पे, तो टक्कर लग गया। टक्कर होने के बाद एक गिर गया। उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया 2 बार। क्या हुआ इसके शरीर पे? गाड़ी चढ़ने के बाद कहाँ कहाँ टूटा था? इसका ये बाजू जो है, ये बाजू पूरा टूटा हुआ है, और ये क्या बोलते हैं, गले वाला हार है, ये पूरा टूटा हुआ है। और उसके बाद ये ब्रेंड में क्या बोलते हैं, इसकी वजह से खून जम गया था। स्थिति नाजुक? हाँ, स्थिति नाजुक था, पूरा गंभीर था। यहाँ आपका कैसा इलाज चला? इलाज तो बहुत बढ़िया चला इधर। क्या नाम है मरीज का? मरीज का नाम शक्तिलाल सरदार। कहाँ के रहने वाले हैं? चढ़ने का। आप कौन है इसके? हम इसका लड़का हूँ। यहाँ आने से पहले आर भी कहीं हॉस्पिटल में लेके गए थे? हाँ, त्रिवेणीगंज ले गए थे। त्रिवेणीगंज में भर्ती नहीं लिया? नहीं लिया भर्ती। कोई जान पहचान किसी के द्वारा आए? हाँ, दूसरे के द्वारा भर्ती ले लिया गया। हाँ, इधर भर्ती ले लिया। इलाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ, इलाज से संतुष्ट हैं। आपने सुना कि इस हॉस्पिटल में किस तरह से मरीज को इलाज किया गया और अभी मरीज की स्थिति काफ़ी
सुधार आया है, और हम अस्पताल प्रबंधन के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से इस हॉस्पिटल में सुविधाएं दी जाती है और इस तरह के मरीज की यहाँ पे इलाज कर मरीजों को सही किया जाता है। बताएं किस तरह का इलाज किया गया इस मरीज को? इस मरीज पे हम लोग पूरा जोर शोर से इलाज किए, जो भी त्रुटि था सबको दूर किए, सभी डॉक्टर सभी स्टाफ सभी पूरा पूर्णतः इन पर लग के पूरा सेवा जो भी हुआ हम लोग फुल ट्रीटमेंट। अच्छा एक चीज़ बताओ, हॉस्पिटल जो है पूर्णिया में लाइन बाजार में बहुत सारा है जी, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन रहता है किस हॉस्पिटल में जाएं कहां जाएं, बहुत तरह का लोगों को मन में ये संदेह हाँ, ऐसा तो रहता है। तो लोगों को क्या मैसेज देंगे कि इस हॉस्पिटल में किस तरह से क्या सुविधा मिलती है? मेरे यहाँ सारी सुविधा है और हम लोग बहुत ही पेशेंट के प्रति पूरा जिम्मेवार होके ये करते हैं। कितने डॉक्टरों की टीम है यहाँ पे हॉस्पिटल? हमारे यहाँ 14-15 डॉक्टरों की टीम है, सारे विभाग के डॉक्टर हमारे यहाँ अवेलेबल है। चौबीस घंटा इमरजेंसी सेवा हम लोग की। और कुछ जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी कुछ? हाँ, उनके लिए हम लोग जो होता है जैसे गरीब लोग हैं तो जो सेवा कर पाते हैं मिनिमम से मिनिमम में करके। अच्छा, आज जो मरीज के बारे में हम लोग बात किए, जिस मरीज से बात किए हैं उसके परिजन से कहा गया कि उसका पूरा हाथ टूट गया था, कमर का हड्डी टूट गया था, ऐसे ऐसे कितने मरीजों का इलाज हो चुका हॉस्पिटल में? अभी तो महीने में 5-10 पेशेंट तो यूँ ही आ ही जाते हैं इस टाइप का। कितना पुराना ये हॉस्पिटल है? ये अभी 3 साल हो गया हॉस्पिटल, 3 साल हो गया। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम श्रवण कुमार। अब बताइए, ये जो मरीज जिसकी हालत आज से 16-17 दिन पहले पूरा नाजुक था, जो आया था हड्डी टूटा हुआ था, कमर और हाथ का अभी सुधार है, अभी क्या बहुत कहेंगे किस तरह से इलाज हुआ है? यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इलाज हुआ था सर, ठीक है। और मतलब पूरा चीज़ टूटा हुआ था, क्लेविकल टूटा हुआ था, बोन टूटा हुआ था, और भैजर टूट गया था, पूरा चेस्ट टूटा हुआ था, पूरा सारा रीढ़ का हड्डी टूट गया था। अभी पूरा हम लोग कोशिश किए, एब्जॉर्ब किए, सारा स्टाफ मिलकर, सारा सर डॉक्टर सब मिल करके, तो अभी ठीक है। लाया गया था तो क्या? पूरा गंभीर स्थिति था सर, मतलब सब रेफर कर दिया था, यहाँ हम लोग किसी तरह लिए, ट्रीटमेंट किए और बहुत अच्छे हैं अभी। कौन सा हॉस्पिटल है? न्यू अल्फा नीरो एंड ट्रामा हॉस्पिटल। कहाँ पे है ये? लाइन बाजार चौक, मतलब लाइन बाजार कुंडी पुल से आगे और कप्तान पुल से पीछे। जिनको जानकारी नहीं है इस हॉस्पिटल के बारे में उनको बता दें कि किस तरह की सुविधा मिलती है? किस तरह की सुविधा मिलती है? सुविधा बहुत अच्छा मिलती है सर, ठीक, टेंशन है, मतलब बहुत अच्छा मिलता है सुविधा सर। आपका परिचय? मेरा नाम प्रिंस कुमार विश्वास। देखिए, ये जो हॉस्पिटल है पूर्णिया के लाइन बाजार में कुंडी पुल से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दाहिने तरफ से है, न्यू अल्फा न्यूरो एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल है, और यहाँ पे सभी तरह की 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे खबर, बने